गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो आज हम सब जानेंगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। आप अपने चारों तरफ बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं जिसमें कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो अगर आपको कहा जाए कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, देन यू डू इट। बताइए, वेरी गुड। तो आप कर लेंगे ना? तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट्स आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, लिविंग मीन्स क्या होता है बेटा? तो सजीव होता है। क्या होता है? सजीव। एंड नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव। अब सजीव क्या होता है? तो दैट्स अ लाइफ जिसके पास जीवन पाया जाता हो, दैट्स अ लिविंग। एंड दैट्स अ नो लाइफ, दैट्स अ नॉन लिविंग। तो जिसके पास जीवन नहीं पाया जाता वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द प्रीवियस क्लास। नाउ यू विल लर्न मोर अबाउट द नेचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप सब ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। आपने उसके नेचर के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में भी स्टडी किया था, ठीक है। लुक अराउंड इन योर सराउंडिंग। आप अपने सराउंडिंग में देखोगे, अपने चारों तरफ देखोगे, तो राइट डाउन द नेम ऑफ थिंग्स। तो आपको क्या करना है? इन योर क्लासरूम एंड इन योर स्कूल ग्राउंड। तो आपको, आप जब स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में बहुत सारे चीज़ लिविंग होते हैं, बहुत नॉन लिविंग होते हैं। तो जो भी चीज़ आप देखते हैं ना स्कूल में, लिविंग नॉन लिविंग, उसको क्या करना है? लिखना है। यू कैन सी ब्लैक बोर्ड। आप ब्लैक बोर्ड देखते हो, चौक देखते हो, डस्टर देखते हो, योर फ्रेंड्स देखते हो, ट्रीज देखते हो, बटरफ्लाइज देखते हो, डॉग देखते हो। तो ये सब चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सब एक बार इसमें पहले नोट करना है सबको, और फिर इसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। तो इस तरह से इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। गुड। थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं वो क्या होते हैं? या तो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, ओके। और जिसमें लाइफ पाया जाता हो वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। और जिसमें जीवन ना पाया जाता हो, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो आप समझे ना कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आप देखते हैं और जिसमें कुछ एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी खुद से हो, किससे हो? खुद से, अपने आप किया गया हो, तो वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। और जिनमें कोई एक्टिविटी ना हो, खासकर खुद से, जो आपके द्वारा ही छूने पे उसकी एक्टिविटी होती हो, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगे, ठीक है। All living things need food and water to live, whereas non-living things do not need food or water. तो देखिए, living things को ग्रोथ करने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए? तो पानी चाहिए, भोजन चाहिए। बट non-living things को कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें लाइफ ही नहीं है, तो वो कैसे एक्टिविटी करेगा, वो भोजन कैसे करेगा? Human beings, animals, birds, plants and insects are living things. They all are natural things. तो ये ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर हैं, कुछ लक्षण हैं जो हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, क्या कहता है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सपोज डैट यू सी दिस पिक्चर, दिस इज अ बेबी एंड डैट डाइवर्ट इन टू child. After some time they change into child, and after 10 or 14 years they changes into an adult stage.
तो आस्क योर मदर टू शो योर पिक्चर्स व्हेन यू वेयर एन इन्फेंट्स डू यू लुक द सेम एज यू वेयर 5 years बिफोर। तो आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं या आप अपने आप को देखिए, क्या आप आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले या 3 साल पहले जैसा थे आज वह उतने ही एज में हैं, आज उतना ही दिखते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? नहीं। वेरी गुड। क्यों होगा नहीं? बिकॉज यू आर लिविंग थिंग्स एंड यू कैन डू मेनी एक्टिविटीज, ठीक है? सच लाइक यू टेक फूड, यू टेक वाटर, यू टेक ब्रेथ, तो और आप ग्रोथ भी करते हैं, ठीक है? तो ए बेबी, हाँ डेफिनेटली नो, बिकॉज यू आर ग्रोन अप। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप में लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही है। आप लिविंग थिंग्स हो, इसलिए आप ग्रोथ कर रहे हो। अ बेबी ग्रोन इनटू अ चाइल्ड लाइक यू एंड देन बिकम्स एन एडल्ट बॉय एंड गर्ल। एक बच्चा जो है वह किस में चेंजिंग हो रहा है? वह एक चाइल्ड में, और फिर जब बड़ा होता है तो एक एडल्ट के रूप में वह ग्रोथ करता है, ठीक है? जब ग्रोथ करता है वो एडल्ट बन जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही होते हैं। आप किसी भी जानवर को देखोगे, आपके घर में गाय होंगे तो गाय को देखोगे, गाय जब अपने बच्चे को देता है तो क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा उसका रहता है, और ठीक उसको 6 महीना साल भर बाद देखोगे तो वह बड़ा होने लगता है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। डू यू डॉल्स ट्रेवल्स एंड चेयर ग्रो बिग? क्या आपने किसी डॉल्स को, गुड़िया को, ट्रेवल को एंड चेयर को बढ़ते हुए देखा है क्या? तो नहीं देखा, ऑब्वियसली आपने देखा ही नहीं। व्हाई? बिकॉज दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, और दे नेवर ग्रो। आपने नहीं देखा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और वो कभी बढ़ते नहीं हैं। अब देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, मूव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के हैं। इन योर डेली लाइफ यू सी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अपने प्रतिदिन के जीवन काल में, जीवनचर्या में आपने क्या देखा है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनमें लाइफ होती है, ठीक है? तो इसलिए वो चले जाते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। आपने जानवरों को देखा होगा, जानवर क्या करते हैं? अपनी भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उन्हें उनकी भोजन प्राप्त होती है, ठीक है? हैव यू सीन ए प्लांट्स और ए ट्री मूविंग? क्या तुमने पेड़ को देखा है कभी घूमते हुए? एब्सोल्युटली नो, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो क्या होता है? प्लांट्स नहीं घूमता है। क्यों नहीं घूमता है? बिकॉज देयर रूट्स फिक्स देम एट वन प्लेस। क्योंकि उसकी रूट्स जो होती है ना, वो मिट्टी में एक जगह फिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स को स्टैंड रख सके, अपराइट रख सके, सही से खड़े रख सके, ठीक है? क्योंकि उसकी रूट्स अगर कमज़ोर हो जाएगी देन प्लांट्स दैट कैन बी फॉल डाउन। तो क्या होगा? जब उसके कमज़ोर हो जाएंगे रूट्स तो प्लांट्स गिर जाएंगे, इसलिए रूट्स मिट्टी में फिक्स कर दिया जाता है। मूवमेंट इन प्लांट्स इन डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सारी प्रोसेस वो करते हैं एक मूव को छोड़ के। प्लांट्स ऑल्सो कैन ग्रो अप। तो प्लांट्स भी बढ़ते हैं, दे कैन ऑल्सो टेक ब्रेथ, वो भी श्वसन करते हैं ना। दे ऑल्सो नीड फूड, तो उसे भी भोजन की ज़रूरत होती है। They also need water, उसे पानी की जरूरत होती है। तो look at this picture, a sunflower turns towards the sun। देखिए, एक sunflower जो है किसकी तरफ turns हो गया है? Sun की तरफ, ठीक है?
स्टीम एंड ब्रांचेस ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। इसके देखिए स्टीम्स जो हैं और कुछ ब्रांचेज जो हैं शाखाएँ हैं वो किसके डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, सनलाइट की तरफ। तो सूर्य की रोशनी जब मिलती है तो पौधे क्या होते हैं, खिल उठते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी भोजन बनाने के लिए एयर वाटर के साथ साथ सनलाइट भी उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसी तरह इस चारों फिगर को पिक्चर को देख सकते हैं। Have you ever seen books and tables moving on their own? क्या आपने कभी देखा है कि tables और books अपने आप move करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना, they move only when we pull or push them. जब भी वो move करेंगे ना तो उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब आप उसे push करेंगे या pull करेंगे या उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे, then वो move करेगी। We can see they are non-living things and do not move on their own. तो ये देखिए टेबल बुक चेयर, तो ये एक जगह पर ही रहेगी जब तक हम इसको पुश या पुल नहीं करेंगे। अब all living things need food and water. तो living things need food and water to live. Living things को जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन और पानी। फूड गिव्स अस एनर्जी, अच्छा भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो एनर्जी प्राप्त होता है। और आपको भोजन जब देखिए, आप जब देखोगे कि आप भूखे पेट हो, आपको पढ़ने के लिए बोला जाए, क्या आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है, इससे आपको एनर्जी मिलती है और आप कोई भी एक्टिविटी कोई भी वर्क करते हो। एवरी डे वी एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स टू गेट एनर्जी फॉर डूइंग आवर वर्क्स। तो हम जो है ना अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं और उससे हमें एक एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, हैव यू एवर थॉट हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड टू स्टे अलाइव। तो प्लांट्स लिविंग थिंग्स तो है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं या सोच सकते हैं कि वह जो है हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड टू स्टे अलाइव। तो प्लांट्स अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, तो इसका आंसर आप लोग एकदम कंप्लीट करके दीजिएगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आप लोग लिखिएगा एक नोट कॉपी में, देन राइट सम एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, फिर इसके लेक्चर टू जो है ना नेक्स्ट क्लास में आपको बताए जाएंगे। तो आप सब एग्ज़ाम के व्यू से अभी जो भी स्टडी हो रहे हैं, पढ़ाई हो रहे हैं, सब एग्ज़ाम के व्यू से ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास में जुड़िए और ऑनलाइन क्लास को कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।